खबर नैनीताल से है, जहां डीएसपी परिसर में हुआ दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता और व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सामाजिक करती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, केवल याद करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास बहुत आवश्यक है। साथ ही परिसर के पुस्तकालय में 1,50,000 से अधिक पुस्तकें उपस्थित हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बहुत विस्तार से भी साहब ने बताया कि इसमें एम्फेसिस चॉइस पे है, फ्लेक्सिबिलिटी पे है और इंटरडिसिप्लिनरी होने पे है, मल्टीपल एग्जिट्स पे है, वोकेशनल एजुकेशन पे है। तो कुल मिला के हमारी जो यूथ है, जो कि हमारा डेमोग्राफिक एक बहुत तरह से बड़ा पोटेंशियल है, उसके डिविडेंड को हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे।